राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे ने डोंगरगढ़ में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ट्राई ट्रेन शुरू करने की मांग की है। लोकसभा में उन्होंने ये मुद्दा उठाते हुए कहा कि धमतरी नैरोगेज बंद होने से उस ट्रेन के डिब्बे कबाड़ हो रहे हैं। उन्हीं ट्रेन के डिब्बों से मां बम्लेश्वरी की नगरी में ट्रॉय ट्रेन चलाई जा सकती है, जिससे यहां आने वाले पर्यटकों में बढ़ोतरी होगी। उन्होंने लोकसभा में रेल मंत्री पीयूष गोयल की ओर से भी इस संबंध में आश्वासन दिए जाने की जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने कवर्धा के भुवनदेव मंदिर परिसर और सरोवर के आसपास सौंदर्यीकरण की मांग की है। उन्होंने कहा कि मंदिर के चहुमुखी विकास के लिए इसे भी प्रसाद योजना में शामिल किया जाए, जिससे पर्यटकों को लाभ मिले। संतोष पांडे ने डोंगरगढ़ में प्रसाद योजना का फायदा देने के लिए पीएम मोदी और मंत्री प्रहलाद पटेल को धन्यवाद दिया। वहां सरोवर में शानदार आधुनिक तरीके से बोटिंग की व्यवस्था की जाए और जो बहुत बड़े भूभाग पर गार्डन बना हुआ है किंतु देखरेख के अभाव में वह जर्जर हो चुका है, उसी प्रकार से जो पाथवे है, जो सड़क है, वह भी जर्जर हो चुका है और मंदिर की चौमुखी विकास सब प्रकार से किया जा सकता है। मैं सम्माननीय महोदय से निवेदन करता हूं कि इसे भी प्रसाद योजना के अंतर्गत शामिल किया जाए। हमारे यहाँ राजधानी रायपुर से राजिम के लिए एक छोटी रेल चलती थी, रेल भी बंद हो गया, पटरियां भी उखाड़ ली गई है। केवल इतना ही निवेदन है कि बम्लेश्वरी डोंगरगढ़ में डोंगरगढ़ के लिए टॉय ट्रेन के लिए उनको दे दे। माननीय रेल मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया था, बड़ी कृपा होगी।